चेहरे पे ग्लो आएगा। ओके मैंने खूबसूरती का राज किया। के लिए यूज करते हैं, इसमें पोटेशियम होता है तो हमारी स्किन इसलिए बार बार ग्लो करती है और इसलिए हमें गुड मॉर्निंग हो गई है सुबह। तो आज हमारी जो किचन थी कल लीक कर रही, बिल्कुल क्लियर है अभी। अभी कुछ लीकेज नहीं हो रही, अभी सूख रहा है। रात को हमने किचन सुखाई थी अपनी सारी, उसकी जो खिड़कियां वगैरह होती हैं कबोर्ड्स की वो सारी खोली थी। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। गुड मॉर्निंग। अभी मेरा एक छोटा सा प्लांट है ये वाला, तो ये अभी बड़ा हो गया है तो अभी गिर रहा है बाहर को, तो मैं भी सोच रहा हूँ इसको शिफ्ट करूँ बड़े पॉट में। तो मेरे को ये नहीं पता लग रहा है इसको किस पॉट में शिफ्ट करना है। अगर आपके पास कोई सजेशन है आप मेरे को बता सकते हो। मैंने नए प्लांट्स उगाए हैं, ये सिंगोनियम है, ये फाइकस बाई जेमिनस है, ये वाला भी। तो ये बहुत धूप मांगता है, ये भी नया उगाया है। ये मैंने इस पौधे में कम से कम 3 बार उगा चुका हूँ पर ये एक बार भी नहीं उगा। अभी फिर से ट्राई है, फिर से सूख रहा है, इसके पत्ते सूख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उग जाएगा। यहाँ भी उगाया मैंने ये वाला पत्ता यहाँ भी, पर यहाँ भी सूख गया है। तो देखते हैं अभी आगे कैसे चलता है। अभी मई का महीना बहुत अच्छा होता है पौधे लगाने के लिए, तो आप अपने घर में भी पौधे वगैरह लगा सकते हो, बड़ी जल्दी उगेंगे। तो कोई भी लगा लो, पर यह है कि अब जो भी पौधा लगा रहे हो आप फटाफट उग रहा है, तो इसलिए फटाफट पौधे लगाओ और हवा को क्लियर करो। चलो नहीं चलो चलो जी। हमने स्विंग लगाई है रात को यहाँ से ट्यों यहाँ तक, तो ये हमने छोटे बेबी के लिए लगाई है। पर अनायत इसको यूज़ कर रही है। अनायत कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है बताओ, बोलो हेलो हेलो। चलो वेरी गुड चूटे पापा। चलो अब हम चलते हैं किचन में, आंटी को पूछते हैं आज उन्होंने क्या बनाया है। हाँ जी आंटी जी, आज की बनाया क्या, आज क्या बनाया? आज कोफ्ते बना रहे हैं, सब तो औखा काम दिता है मैंने। कोफ्ते में औखा क्या है? अब इसको देखो छील रही हूँ, फिर इसको कद्दूकस करूंगी, फिर इसको बेसन में डालूंगी, पकौड़े बनाऊंगी, फिर मसाला तैयार करूंगी, फिर डालूंगी उसमें। ओके औखा काम नहीं है, कोफ्ते बनाना मतलब लंबा काम होता है। आंटी जी इसका लौकी कहते हैं इसको, सब्जी को किया किया बोलते हैं। लौकी लंबी होती है पर ऐसी होती है वो लंबी होती है। ओके ओके, ये इसका घी का और क्या क्या बनता है? एक कोफ्ते बनते हैं, एक अगर आपको अच्छा लगता है तो परोठे ही बना के खा लो इसको, जैसे मूली कद्दूकस करके पानी निचोड़ के। ओके तो एक रायता बनता है। ओके आपको थोड़ा सा लगता है भी थोड़ा सलाद में खाना है तो इसको कच्चा कच्चा काट के नींबू निचोड़ के खाओ, भी बहुत फायदेमंद करेगा। ओके ओके, ये पेट के लिए मतलब अच्छा होता है। ओके चेहरे पे ग्लो आएगा। ओके मैंने खूबसूरती का राज किया। तो ये थे हमारे घीए के हेल्थ टिप्स आंटी की तरफ से, तो आपको आई थिंक ये बहुत यूजफुल रहा होगा। चलो अब बनाते हैं इसकी सब्जी। की है कि मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया अब सब कुछ, बाकी इसके और क्या क्या फायदे होते हैं डॉक्टर साहब ने बताया। ये हम किया को इंग्लिश में एप्पल गार्ड बोलते हैं, इसके लिए फायदे क्या होते हैं, जब हम इसको खाते हैं इस पे हमारे डाइजेशन ठीक रहती है, इसमें फाइबर बहुत होता है। दूसरा इसका हम जूस पीते हैं, स्किन को ग्लो करता है। तीसरा इसको डाइजेशन में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये एसिडिटी कम करने में बहुत मदद करता है ये। तो तीसरा हम इसको डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें पोटेशियम होता है तो हमारी स्किन इसलिए बार बार ग्लो करती है और इसलिए हमें कहते हैं सियाने कि हफ्ते में हमें 2 या 3 बार लौकी लौकी या घिया का जूस पीना चाहिए। लौकी घिया ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, बस चीज़ें दोनों सेम ही हैं। चलो जी आज हम खाएंगे घिया कोफ्ते। ये घिया के पकौड़े अभी तैयार हो गए हैं, तो घिया को कद्दूकस कर दिया, अब यहाँ बनेंगे इसके पकौड़े। ये बन गए किए गए अभी पकोड़े, तो इसके बन जाएंगे बाद में कोफ्ते। तो हम एक कोफ्ता ट्राई करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत। तो आप इसके पकोड़े खा लो चाहे कोफ्ते बना लो। आंटी इसमें क्या तड़के का सामान? हाँ जी ये लहसुन प्याज अदरक मिर्च लिया है। चलो जी अब ये बनेगा तड़के का सामान। हाँ
अभी लगेगा तड़का और उसमें डालेंगे कोफ्ते, फिर बनेगी कोफ्ते की। एक देखो कई लोग क्या करते हैं, ये को रायता बनाने के लिए पानी में उबालते हैं, पानी में मत उबाला करो क्योंकि उसके सारे की तो विटामिन निकल जाती है। इसको सीधे कढ़ाई में रखो, इसमें पानी वैसे ही बहुत होता है तो इसी से ये पक जाएगा। इसको पानी डाल के नहीं उबालना, ऐसे उबालना, ये फायदेमंद करता है घी के। देखो तो पानी अपने आप छोड़ देगा, अभी पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे पक जाएगा इसी के पानी से। उबालने से उसके सारे विटामिन चले गए, फिर क्या फायदा हो रहा है। ये असली पानी डाल के नहीं हम उबाल रहे हैं, इसको वैसे ही उबाल रहे हैं, ये के पानी से बोल रहा है। चलो जी, अब लग गया कोफ्ते को तड़का, तो इसके बाद हमारे हो जाएंगे कोफ्ते की सब्जी रेडी। चलो जी, बन गई जी कोफ्ते की सब्जी। आंटी इसी को हिंदी में बोलो। हिंदी में मैंने आज बनाया है घिया के कोफ्ते और उसकी सब्जी बनाई है। डॉक्टर साहब अब खा रहे हैं, अब खाकर ये बताएंगे भी कैसे बनी है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कच्चे में फायदे हैं कि बनने के बाद फायदे हैं, ये डॉक्टर साहब। तो अब हम करते हैं एंजॉय अपने कोफ्ते की सब्जी, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब तक हम खाते हैं कोफ्ते की सब्जी। बाय बाय। Keep on higher.